मेंस्ट्रुअल कप देख के ऐसे लगता है ये इतना बड़ा वहाँ पे फिट भी होगा क्या, और अगर ये डालेंगे तो पेन होगा, और अगर डालने के बाद नहीं निकला तो, और ये मेरे को साइज फिट नहीं हुआ तो, ये सब सवाल अगर आपके मन में है तो ये वीडियो देखते जाइए। और अगर आप मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज जाके अभी करो। कोई भी मेल ये मेरा वीडियो देख रहा है तो सारी वुमेन को शेयर करना, जितनी भी वुमेन आपकी लाइफ में हो, एंड अगर स्टोरी डाल रहे हो तो मेरे को टैग करना मत भूलना क्योंकि मैं रिपोस्ट करने वाली हूँ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात, मेंस्ट्रुअल कप्स इसलिए यूज करते हैं जब हम पीरियड्स में होते हैं, और ये बात तो सबको पता ही है, बट इसमें अलग अलग साइजेस होती है, और आपको आपकी साइज कैसे प्रिडिक्ट होगा, आपको फिंगर टेस्ट करना होगा, इसके लिए आपको आपकी फिंगर अंदर डालना होगा। अगर एक इंच तक जा रहा है ना, आपको सर्विक्स फील हो रहा है, सर्विक्स ऐसा होता है जैसे हमारा नोज का टिप होता है, तो वो आप अंदर डालोगे ना तो वो आपको खुद ही प्रिडिक्ट होते रहेगा। तो अगर वो एक इंच अगर आप डाल रहे हो ना, आपको अगर वो फील हो रहा है तो आपको चाहिए साइज एस। और अगर आप फिर डालते रहोगे, फुल फिंगर डाल रहे हो या इतना तक डाल रहे हो ना, तो मतलब और फिर आपको सर्विक्स फील हो रहा है, देन आपको चाहिए साइज एम। और फुल फिंगर डालने के बाद भी आपको आपका सर्विक्स फील नहीं हो रहा है, देन आपको चाहिए साइज एल। तो ये सब अगर आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है तो एक जनरल प्रिडिक्शन रहता है, जैसे कि अगर आप अनमैरिड हो तो आपको साइज एस चाहिए होगा, एंड अगर आप मैरिड हो तो आपको एम चाहिए, आप मैरिड होके 30 इयर्स प्लस हो तो आपको लार्ज चाहिए। बट ये अगेन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, अगर आप अनमैरिड भी हो एंड आप बहुत लंबे हो, या आपकी बॉडी बहुत हेवियर साइड में, तब भी आपको लार्ज चाहिए होगा। तो ये आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो आपकी बॉडी टाइप देख के, मैं बस आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ कि आप अपनी साइज कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। और एक बात ये है, जो लड़कियां फिजिकली बहुत एक्टिव होती है या हैवी वेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो वो थोड़ा हार्ड वाला मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकती है, क्योंकि उनका जो मसल्स होता है वेजाइनल एरिया के पास, तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। एंड जो नॉर्मल है, जो मतलब नॉर्मल एक्सरसाइजेस करते हैं या हाउसवाइफ्स है, तो वो रेगुलर सॉफ्ट वाला मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल कप को डालते कैसे, ये ऐसा तो जाएगा नहीं क्योंकि इतना स्पेस तो बाहर है नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको इसको यहाँ पे दबा के फिर उसको ऐसे फोल्ड करना है, एंड डालने से पहले आपको आपकी लेग्स को स्ट्रेच करना होगा, एंड मतलब वॉट एवर यू आर कम्फर्टेबल विद, मतलब आप एक लेग एक चेयर पे भी डाल सकते हो जस्ट टू इंसर्ट दिस। बस ये मेक श्योर करना कि आपके मसल्स रिलैक्स्ड हो जब ये चीज़ कर रहे हो। आई नो जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो बहुत डर रहेगा एंड बहुत घबराहट होगी, बट देन ऑल यू हैव टू डू इज रिलैक्स, क्योंकि अगर रिलैक्स नहीं करोगे तो बहुत टफ होगा डालने के लिए। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो इसका होल छोटा हो गया, और अब हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्ट करने के लिए आप ऐसे स्ट्रेट नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा जो यूटेरस होता है वो थोड़ा सा ऐसे स्लैंटिंग पोजिशन में रहता है, तो आपको इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ही डालना पड़ेगा, और जैसे ही अंदर जाएगा वो ऐसे खुल जाएगा। अगर ये कभी कभी अंदर जाके ना खुले तो आप यहाँ पे ऐसे इसको पिंच कर सकते हो, तो वो अंदर जाके खुल जाएगा। और जब आप अंदर डाल दो तो ये पूरा जाना चाहिए इंक्लूडिंग द टेल, और अगर टेल ज्यादा लंबा है तो आप सीजर से लेके उसको कट कर सकते हो, जस्ट ये मेक श्योर करना कि ज्यादा उसका शार्प ना हो एंडिंग, तो ध्यान से कट कर। बस आप उसको 8-10 घंटे तक इजिली यूज कर सकते हो। बस ये एक चीज याद रखना कि निकालते समय यहाँ पे आपको ऐसे पिंच करना है, फिर निकालना है, और ये काम आपको सिर्फ वॉशरूम में करना है क्योंकि कभी कभार ब्लड वर्ड गिर सकता है, या पॉट के पास कर सकते हो। फिर निकालने के बाद इसमें जो भी ब्लड होता है आपको उसको स्पिल करना है, नॉर्मली वॉश कर देना है, रीयूज कर सकते हो। ये आराम से आप 8-10 साल तक एक मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हो। मेंस्ट्रुअल कप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे होता है, आई थिंक 500 से स्टार्ट होकर 2000 तक होता है, लाइक जितना ज्यादा प्राइस वो उतना ज्यादा क्वालिटी अच्छा रहता है, तो वो है। और ये वाओ का है, इसके साथ ये भी आता है फ्रीडम वॉश करके कुछ रहता है, तो वाओ का यूजली मेरे को क्वालिटी बहुत सही लगता है, बट ये यूजली मैं यूज नहीं करती हूँ जब तक जरूरत ना हो, यूजली पीरियड्स के टाइम ही यूज करते हैं, बट जितना अवॉइड करो उतना सही है, बट वाओ का मेंस्ट्रुअल कप बहुत अच्छा। और कुछ लड़कियों का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर हम पी करेंगे तो तब ये निकल जाएगा ना, या हम उछल कूद रहे हैं या नॉर्मली चल रहे हैं या अगर बैठे भी हैं तो इसका निकलने का चांसेस हो सकता है। ऐसा नहीं होता, जो जब हम पी करते हैं उसका होल अलग होता है, और जो ब्लड निकलता है उसका होल अलग होता है, एंड जहां तक मैं जानती हूँ उसका चांसेस बहुत कम होता है निकलने का, क्योंकि ये सिर्फ पिंच करेंगे ना तभी निकलेगा, तो आप ये भूल ही जाओगे अगर आप कूदोगे उछलोगे तो ये निकलेगा, ये नहीं निकल सकता। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, बस ये एक रहता है कि डर रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली सब स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हो और कुछ इंसर्ट कर रहे तो डर लगेगा, और मैं खुद भी डरी थी जब मैं स्टार्टिंग में यूज़ की थी, बट वो एक दो बार रहता है स्टार्टिंग में, बट जब आप 3-4-5 बार यूज़ करोगे ना तो आपको उसका आदत लग जाएगा एंड आपकी बॉडी वो एडजस्ट करने लगेगी ये चीज़ से। 5-6 टाइम यूज़ करने के बाद आपको फील ही नहीं होगा कि आपने मेंस्ट्रुअल कप पहना है, तो जैसे ही इंसर्ट करते जो
स्टमक होता है, तो जो भी ब्लड होगा वो इसी में घिरेगा। और हाँ, कुछ लड़कियां मेरे को ये भी बोलती है कि मेंस्ट्रुअल कप यूज करने से हाइमन ब्रेक होता है। मेंस्ट्रुअल कप करके नहीं, आप मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पोन या कोई भी सिंपलेस्ट एक्ट भी ले लो ना, जैसे डांसिंग या कोई स्प्लिट्स कर रहे हो या हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, उसकी वजह से भी हाइमन स्ट्रेच हो सकता है। हाइमन कभी टूटता नहीं है, हाइमन से स्ट्रेच होता है, और इसके बारे में मैं अगले वीडियो में और इन डिटेल बात करूंगी। और मेरे हिसाब से मेंस्ट्रुअल कप्स आर फार बेटर देन पैड्स, क्योंकि आप मेंस्ट्रुअल कप्स को 8 से 10 घंटा यूज कर सकते हो, वेयर एज पैड्स को आप सिर्फ 4 आवर्स यूज कर सकते हो। और अगर आपने पैड्स को चेंज नहीं किया 4 to 5 आवर्स के इंटरवल्स पे, तो स्मेल आएगा और लॉन्ग टर्म में जाके इन्फेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब भी हो सकता है। और ये भी डर रहता है कि रात को मतलब कहीं दाग वाग ना लग जाए। सो या गिव मेंस्ट्रुअल कप्स अ ट्राई। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको फील ही नहीं पता चलेगा। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगेगा, बट ट्राई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। बट हाँ, कोई फोर्स नहीं है, आप अपनी मम्मी से या कोई भी मतलब यूट्यूब वीडियो से गाइडेंस देख के आप मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लर्न समथिंग फ्रॉम इट, एंड इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन to be notified for my next video. Bye guys!